बोली बाल कृष्ण लाल की। भक्ति रूपी खान प्रकट हो, खान का अर्थ होता है खदान, है ना। जैसे इस संसार में अनेक खदान होते हैं और आप सब जानते भी हैं, कोयले का खदान होता है, एल्यूमिनियम का खदान होता है, हीरे का खदान होता है, लोहे का खदान होता है। और जिस खदान में आप जाएंगे उस खदान में वो वस्तु आपको प्राप्त होगी। हीरे की खदान में जाएंगे तो हीरा मिलेगा, लोहे की खदान में जाओगे तो लोहा मिलेगा, कोयले की खदान में जाओगे तो आपको कोयला मिलेगा। लेकिन तुलसी बाबा ने कहा कि संसार में एक खदान ऐसा है जहां पे आप जाओगे तो आपको जीवन का सब सुख मिलेगा। तुलसी बाबा ने कहा, और वो खदान कौन सा है? भक्ति सुतंत्र सकल गुण खाने, भक्ति सुतंत्र स्वतंत्र सकल गुण खाने, भगति स्वतंत्र सकल गुण खाने, बिनु सत संग न पावहि प्राणे, बिनु सत संग न पावहि प्राणे, भगति स्वतंत्र। और वो खदान का नाम है भक्ति। और कैसी भक्ति? स्वतंत्र रूप। तो अगर भगवान से एक चीज मांगने से, अगर भगवान हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं तो बुद्धिमता इसी में है कि भगवान से आप वो वस्तु मांगो। और उस वस्तु का नाम है, उस खदान का नाम है भक्ति। तो इसलिए आप सबके जीवन में भगवान की भक्ति रूपी खान प्रकट हो, ऐसी मंगल कामना व्यास पीठ से आप सबके लिए समर्पित है। बोलिए भागवत भगवान की। और आप सब कल कथा भाग में श्रवण कर रहे थे कि एक भक्त की भाव रखने के लिए भगवान खंभ से प्रकट हो गए। प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रहलाद की भावना को रखने के लिए, भक्त की भावना को रखने के लिए भगवान खंभ से प्रकट हो, स्तंभ से, है ना। और कई लोगों का भाव हो जाता है कि महाराज भगवान स्तंभ से प्रकट हुए तो वो तो सतयुग का बाप, लेकिन आज तो कलयुग है, आज भगवान कहाँ से प्रकट होंगे, है ना। आज तो कलयुग है, तो भाई कलयुग का अर्थ समझना पड़ेगा। कलयुग का अर्थ क्या होता है? कमलियते इति युगः कलयुगः। हाँ, कलयुग का अर्थ होता है कमलियते इति युगः, जहाँ पे कम साधन करने मात्र से भगवान हमें सुलभ हो जाए, उस युग का नाम है कलयुग। आप सब जानते हैं कि सतयुग में जब अनेक तप करते थे, भक्ति करते थे, तब कहीं जा करके भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापर युग में, त्रेता युग में अनेक साधन आप करते,
तब कहीं जा करके भगवान आपको सुलभ होते हैं। लेकिन कलयुग में तो कलयुग में तो तुलसी बाबा ने कह दिया केवल एक साधा। कौन सा? कलयुग केवल नाम धारा, केवल नाम, कलयुग केवल नाम धारा। और सुमरी सुमरी नर उतर ही बारा। कलयुग में केवल आप भगवान का नाम उच्चारण करो तो भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि संसार रूपी सागर से हम पार हो गए। और आज भी भगवान खंभ में है, है ना? ये विश्वास अगर रहेगा तो आज भी भगवान हमें दर्शन देंगे। लेकिन भाव कैसा होना चाहिए? प्रहलाद की तरह। प्रहलाद का भाव था कि भगवान मेरे इस स्तंभ में भी हैं। तो भक्त तो अनेक हुए, लेकिन प्रहलाद जैसा भाव सबके भीतर आ जाए वो संभव नहीं है। जैसे संतों ने कहा कि भक्त तो अनेक हैं, सूर अनेक फिरे कर्ण मांगत पैपग सूर सो स्वाद कहा। सूर तो अनेक हुए अर्थात सूरदास जी के बारे में। जैसे आप कभी यात्रा करेंगे ट्रेन के माध्यम से या बस में तो कई सूरदास जी आपको भी मिल जाएंगे, है ना? जो बढ़िया भगवान का संकीर्तन करते रहते हैं और भिक्षा आदि मांगते रहते हैं, ऐसे मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं। लेकिन जो भाव सूरदास जी के हृदय में था वो भाव आजकल के सूरदास में हो जाए ये संभव नहीं, क्योंकि सूरदास तो ऐसे थे आंखें नहीं होते हुए भी भगवान के स्वरूप में सूरदास जी ने 8000 पद लिखे। कितने? 8000 पद। कि तैल लगाए लगाई के अंजन भावनाई लगाई लिठौन। देखो सूरदास जी की आंखें नहीं भी है और फिर भी इतना सुंदर पद 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 सूरदास जी ने लिखा कि तैल लगाई। माँ यशोदा लाला का कितना सुंदर श्रृंगार कर रही है। लगाई के अंजन, हाँ बढ़िया काजल लगा रही है। और भौह बनाई, कई बच्चे ऐसे होते हैं जब जन्म लेते हैं तो भौह नहीं होता है, तो माताएं क्या करती हैं? बढ़िया भौह बना रही है ना। भौह बनाई लगाई डिठौन नहीं, और डिठौना का अर्थ होता है काजल। जब एक माँ बढ़िया अपने बच्चे का श्रृंगार करती है और श्रृंगार करने के बाद जब वो बालक दिव्य सुंदर दिखता है तो माताएं कह बैठती हैं कि बेटा इतना सुंदर दिख रहा है लाला, तुझे किसी की नजर ना लगे। हाँ, तो माताएं क्या करती हैं? अपने आंख का काजल निकाल करके बालक के मस्तक पर भौह बनाई लगाई बिठौन नहीं। तो ये पद कौन गा रहे हैं? सूरदास जी महाराज।
आँख नहीं भी है फिर भी इतना सुंदर 8000 पद भगवान के स्वरूप में गा दिया सूरदास जी महाराज ने। तो आज भी अनेक सूरदास होते हैं लेकिन सबका भाव वो सूरदास जी जैसे हो जाए ये संभव नहीं है। तो जब सूरदास जी ने इतना दिव्य पद लिखा तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ सूरदास आंख नहीं होते हुए कितना सुंदर पद गाता है बेटा, तो चल चल अब मैं तुझे आंख दे देता हूँ। जैसे ही भगवान ने कहा कि आंख दे देता हूँ तो सूरदास जी महाराज हाथ जोड़े कहा कि प्रभु ये अनर्थ मत करना। क्यों? आंख नहीं तो ना आंख नहीं है तो क्या हुआ। जिन आँखन में तब रूप बसो इसने नन से अब देखिए क्या। कहा कि प्रभु आँख की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी जो छवि है वो तो मेरे हृदय में बसी है। तो प्रभु मेरे पास तो दिव्य दृष्टि है तो सामान्य चक्षु लेकर के मैं क्या करूं। लेकिन सूरदास जी महाराज कह रहे हैं प्रभु हंसी तो मुझे उन पर आती है जिनको आपने आंख दिया और आंख हो करके भी आपके दिव्य छवि का दर्शन नहीं करते। और हो सकता है कि सूरदास जी के बात किसी को बुरी लग जाए लेकिन सूरदास जी महाराज कह रहे हैं प्रभु आंखें हो करके भी जो आपका दर्शन नहीं करते ना तो उनकी आंखें ही फूट जाए। बावरिया अखिया उनकी आंखें ही फूट जाए जिनके पास आंख होते हुए भी आपके दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो इतना सुंदर भाव था सूरदास जी महाराज का। तो आज भी अनेक सूरदास हैं लेकिन वो सूरदास जी जैसा भाव सबके हृदय में प्रकट हो जाए संभव नहीं। और प्रमाण दिए संतों ने जैसे एक हुई मीराबाई है ना, और मीराबाई के बारे में आप सब जानते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे है ना, समय जानते हैं मीराबाई बढ़िया ताल मंजीरा लिए बढ़िया भगवान का कीर्तन करती और बिल्कुल भगवान के कीर्तनों में ऐसा मदमस्त रहती बड़ा सुंदर भाव। और आज भी कई माताएं हैं जो बढ़िया भगवान के कीर्तन में हैं भजनों में बढ़िया नृत्य करती है लेकिन जो भाव मीरा के में था पुनीताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सो चाहता। जो चाह मीरा के हृदय में था वो सबके हृदय में आ जाए वो संभव है क्योंकि मीरा के हृदय में क्या चाह था। देखो एक बार मीराबाई अपनी माँ के साथ भगवान के दर्शन के लिए जा रही थी सीढ़ियाँ चढ़ ही रही थी कि रास्ते से एक डोली जा रही थी विवाह बढ़िया बारात विवाह होकर के डोली जा रही थी तो बढ़िया उस समय संगीत आदि बज रहा था तो मीराबाई ने देखा तो माँ से
चंचलता बस पूछ दिया, माँ ये जो जा रहे हैं वो कौन है? तो माँ ने कहा कि बेटी वो जो डोली में बैठी है ना, वो दुल्हन है, और आगे आगे जो घोड़े में जा रहा है वो उसका पति है, दूल्हा है। जैसे ही माँ ने कहा कि वो उसका पति है, तो झट से मीरा ने कह दिया, मेरे पति कौन? माँ मेरे पति कौन? अब बार बार जब मीरा बोलने लग गई, मेरे पति कौन, मेरे पति कौन, तो माँ ने भी कह दिया, लाडली बेटी है, छोटी है, तो दृष्टि गई भगवान की तरफ, तो माँ ने कह दिया, मीरा तेरे पति ये। और जब माँ ने कहा तो बाल्य अवस्था से मीरा ने भगवान को ही अपने पति रूप में माना। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो आज भी अनेक माताएं मीरा के रूप में, लेकिन जो चाहा मीरा के हृदय में था वो सबके हृदय में आ जाए वो संभव नहीं है। तो संतों ने कहा कि आज भी भगवान प्रतिखंब में बसे हुए हैं। भगवान बसे प्रतिखंब में, आज भी भगवान है, लेकिन पर खम में बसे हुए हैं, लेकिन काटने वाला प्रहलाद, प्रहलाद की कमी है। तो भाई एक माता पिता का दायित्व है कि अपने बच्चे को संस्कार हम कैसे दें। आज हर माता पिता चाह रहे हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा पुत्र इंजीनियर बन जाए, ऑफिसर बन जाए, लेकिन बहुत कम ऐसे माता पिता हैं जो सोचते हैं कि मेरा जो पुत्र है वो ध्रुव की तरह हो, प्रहलाद की तरह हो, राम की तरह हो। तो आप जैसा संस्कार उनको देंगे, और अगर आपने संस्कार नहीं दिया तो वो बाहर से ही गलत आचरण सीखेंगे, और वो फिर हमारे लिए ही हानि का एक एक मार्ग होगा। जैसे कई माता पिता आप सुन रहे थे कथा कि छोटा है जाने दो, लेकिन बाल्यावस्था से ही अगर आपने छोड़ दिया, जैसे एक बच्चा था, माता पिता का इकलौता था, तो कई दिन दोस्तों के साथ मित्रों के साथ बाहर घूमता, विलंब हो जाता। एक दिन देखते देखते रात बहुत हो गई, माता पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं, इकलौता बेटा है अभी तक के घर नहीं आया, 12:00 बज गया। अब प्रतीक्षा करते करते बहुत विलंब हो गया, पिताजी बड़े क्रोध में, माता बड़ी क्रोध में, और मध्य रात्रि में घंटी की आवाज आई, माँ समझ गई, क्योंकि माँ का भाव वो होता है, बेटा चाहे दूर रहे, बच्चे दूर रहे, लेकिन कितने दूर भी, लेकिन हृदय में उनका वास सदैव रहता है। माँ समझ गई, हो ना हो मेरा लाडला आ गया, लेकिन क्रोध में थी। जैसे ही झट से दरवाजा खोला तो माँ चिल्लाने लग गई, कहा कि बेटा इतना रात हो गया है और अभी तक तू अभी घर आ रहा है, और आजकल के जो बच्चे होते हैं वो माता पिता की बात भी नहीं सुनते। कहा कि माँ अच्छा तुम डांटने लग गई। माँ अरे मैं कहीं यहाँ वहाँ नहीं गया था, तो एक बात बता इतनी रात में तू कहाँ गया था? माँ मैं ना मूवी गया था। वो बोला कि माँ मैं मूवी गया था, और मैं कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं गया था। अच्छा कहाँ गया था? मैं जो मूवी देखने गया था उस मूवी का नाम था माँ की ममता।
मतलब आजकल के बच्चे ऐसा माताओं माता पिता को बेवकूफ बना। माँ मैं देखने गया था उस मूवी का नाम था माँ की ममता। माँ समझ गई, वाह रे बेटा तू मुझे ही बना रहा है, हाँ तो ठीक है। एक मूवी अंदर भी लगी है उसको भी देख ले। कौन सी मूवी माँ? हाँ तो मूवी लगी है बाप का कहर। बोली भागवत भगवान की। हाँ पिताजी बड़े क्रोध में, हाँ तो उसे भी देख ले बाप का कहर। तो आजकल के जो बच्चे होते हैं, लेकिन अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो गलती उनकी नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि दुशीलो मात्र दोषेन। अगर बच्चे में गलत संस्कार पड़ रहे हैं तो उनकी दोषी है माता, है ना। तो इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम बाल्य अवस्था से ही अपने बच्चों के हृदय में ऐसा कुछ संस्कार डालें जो अंत समय में हमारा ही उपयोग में आए। बोलिए भागवत भगवान की जय। और आइए चलते हैं उन पावन प्रांगण की ओर जहाँ सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को दिव्य भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। और सुखदेव जी बता रहे हैं कि परीक्षित यहाँ से सात स्कंद पूर्ण हुआ बेटा, और हम आठवें स्कंद की ओर बढ़ रहे हैं। और आठवें स्कंद में अनेक मनुओं की कथा गाई गई, और उसमें भगवान अनेक अवतार भगवान ने धारण किया, और भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की। सुखदेव स्वामी जी महाराज ने कहा कि परीक्षित एक समय भगवान ने हरि अवतार धारण किया, और हरि अवतार धारण करके एक गजेंद्र की रक्षा भगवान ने की। सुखदेव स्वामी जी ने कहा तो परीक्षित जी कहने लग गए, कहा कि प्रभु सुना था कि भगवान तो अपने भक्तों के लिए आते हैं, तो एक बात बताओ भगवान क्या हाथी घोड़े के लिए भी आते हैं? सुखदेव जी ने कहा कि भक्त चाहे कोई भी हो परीक्षित, अगर जो भी भक्त भगवान को आर्तक त्राण होकर के पुकारता है, हाँ तो भगवान उस भक्त की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दिव्य कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताने लग गए, कहा कि परीक्षित एक त्रिकुट नाम का पर्वत था, और उस पर्वत का जो राजा था उसका नाम था गजेंद्र हाथी। देखो त्रिकुट पर्वत की चर्चा अनेक स्थानों में की गई है, है ना। जैसे आप रामायण पढ़ते हैं तो तुलसी बाबा ने भी कहा कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, लेकिन वहां का राजा कौन है? तहर रावण सहज संका। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, लेकिन वहां का राजा रावण है। लेकिन जो त्रिकुट पर्वत की चर्चा तुलसी बाबा ने की तो वो त्रेता युग की बात थी। लेकिन यहाँ व्यास जी महाराज जिस त्रिकुट पर्वत की चर्चा कर रहे हैं, आसिद गिरी वरो राजन त्रिकुट इति विश्रुता। ये सत्युग की कथा यहाँ सुखदेव जी बता रहे हैं। एक त्रिकुट नाम का पर्वत है, और वहां का राजा है गजराज गजेंद्र। और उस गजेंद्र का इतना प्रभाव था उस पर्वत में कि उसके डर से कोई भी जीव जंतु वहां नहीं जा पाते थे। तो इसलिए जो छोटे मोटे जो जीव जंतु वहां थे सब गजेंद्र को अपना राजा माने, और बढ़िया अपना रहता बच्चों के साथ पत्नियों के साथ। एक दिन हुआ क्या, भयंकर गर्मी का समय था, ग्रीष्म ऋतु, और बहुत प्यास लगी हुई थी राजा गजेंद्र को।
तो प्यास से व्याकुल होकर के अपने पत्नी के साथ बच्चों के साथ उसी त्रिकुट पर्वत में दिव्य सरोवर बड़ी कमल का पुष्प, श्वेत पुष्प, ऐसे अनेक दिव्य बढ़िया पुष्प, स्वच्छ जल, जैसे ही गजेंद्र ने देखा तो बढ़िया पानी पीने के लिए उस सरोवर में गया और पेट भर बढ़िया पानी पी लिए सब लोग, तो पानी पी के निकल जाना चाहिए, लेकिन गर्मी का समय था तो सोचा कि अब बढ़िया शीतल जल है, बढ़िया नहा लेते हैं। अब राजा गजेंद्र नहाने लग गया, पत्नी नहा रही है, बच्चे नहा रहे हैं, इतना स्वच्छ जल को दो क्षण में ही पूरा मैला कुचैला कर दिया। अब जिस सरोवर में मैला कुचैला कर दिया पूरे जल को, उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह ने देखा वह अरे हाथी, इतना बढ़िया जल और तूने दो क्षण में ही पूरा मैला कुचैला कर दिया। हाँ तो ग्राहो बलियान चरण रहे, ग्राह गया और जा करके उस हाथी के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और जैसे ही पैर को पकड़ा तो अब इधर राजा गजेंद्र को लगे कि हो सकता है कोई छोटा मोटा जीव जंतु हो मेरे 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 भ्रम से मेरे पैर को पकड़ लिया, लेकिन वो जानता नहीं है कि मैं राजा गजेंद्र हूँ। अभिमान इतना था। देखो जब कोई कथा लोक और समाज में प्रचलित हो जाती है ना तो उसके अनेक गीत बन जाते हैं, जैसे कृष्ण सुदामा की कथा इतने प्रचलित हैं कि अनेक गीत उनके भी आप सब जानते हैं। तो उसी प्रकार ग्राह और ग्रज की कथा इतनी प्रचलित है कि लोक और समाज में अनेक गीत बन गए हैं। अब यहाँ तो बढ़िया जब कोई भी यजमान जो होता है भक्त होते हैं, जब व्यास जी को लाने जाते हैं तो आप सब दर्शन करते हो, बढ़िया गले में नाल मृदंग लटकाए और बढ़िया गा भी देते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जी एक बड़ा सुंदर भाव बताते हैं, क्योंकि अनेक स्थानों में उनके साथ रहने का अवसर दास को मिलता है, तो ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री जी की पावन कृपा से हम भी सुन लेते हैं और गुरुदेव श्री जी ये भाव गाते भी हैं कि जो गांव के जो भक्त होते हैं बढ़िया, जब जब व्यास जी को गुरुदेव श्री जी को जब लाने जाते हैं कई स्थानों में तो बढ़िया अपने गले में नाल मृदंग लटकाए और बढ़िया गाते हैं।